मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब? अच्छे हैं? आज हम करेंगे बेटा व्याकरण लतिका का पाठ 12। विषय रहेगा हमारा, जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अनेकार्थक शब्द। जैसा कि बेटा आप देख रहे हैं, इसके नाम से ही इसका पता चल रहा है कि अनेकार्थक। अनेकार्थक मतलब जिसके अनेक अर्थ होते हैं, ऐसे शब्द जो अलग अलग जगह पर प्रयोग किए जाते हैं और अलग अलग अर्थ देते हैं, ऐसे शब्दों को हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे तीर शब्द है। अब तीर शब्द का प्रयोग जब हम धनुष बाण चलाते हैं उसमें तीर का प्रयोग करते हैं, तो एक अर्थ तो वो हो गया तीर। दूसरा तीर बेटा नदी के किनारे को बोलते हैं, किनारे को जो है तीर बोलते हैं, किनारे का पर्यायवाची तीर शब्द होता है। तो शब्द एक है तीर, लेकिन अर्थ उसके दो हो गए। ऐसे ही एक शब्द होता है जग। अब जग का मतलब एक तो एक बर्तन होता है जग, ठीक है, एक बर्तन की टाइप हो गई। दूसरा बेटा जग जो है हम दुनिया को बोलते हैं, दुनिया का पर्यायवाची शब्द होता है, उसको भी हम जग बोलते हैं। तो इस तरह से बेटा एक शब्द के अनेक अर्थ, इसीलिए इन शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहा जाता है। अब आपके सामने मैं कुछ शब्द लिखे हुए हैं बेटा, इनको समझाऊंगी कि अनेकार्थक शब्द कौन कौन से होते हैं और उनके क्या क्या अर्थ होते हैं, ठीक है बेटा। सबसे पहला शब्द है हमारा पट। पट का मतलब बेटा देखो, एक अर्थ पट का मतलब होता है कपड़ा और एक अर्थ होता है दरवाजा। जैसे उसने खिड़की के पट खोल दिए, उसने कमरे के पट खोल दिए, पट मतलब दरवाजा, एक अर्थ हो गया दरवाजा, एक अर्थ हो गया कपड़ा। ऐसे ही बेटा अगला शब्द है हार। हार जो है, एक तो बेटा हम फूलों का हार माला के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है, एक अर्थ हो गया माला, एक अर्थ हो गया पराजय, मतलब हार जाना, जैसे वह खेल में हार गया। तो हार एक शब्द है, अर्थ अनेक है, हार पराजय, ठीक है बेटा, इसलिए ये अनेकार्थी शब्द है। ऐसे ही अगला शब्द है शाखा। अब देखो बेटा, पेड़ की जो टहनियां होती हैं उसे भी हम शाखा बोलते हैं, पेड़ की शाखाएं। और कोई संस्था है, कोई बैंक है, इस तरह की जो मान लो कोई बैंक है, उसकी जो है अलग अलग जगह पर वो बनाया गया है, अलग अलग जगह पर वो बैंक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि इस बैंक की अनेकों शाखाएं हैं, ठीक है। तो इस तरह से इस शब्द का भी अनेकार्थी शब्द में प्रयोग किया जाता है। अगला शब्द है नाना। नाना शब्द जो है बेटा, ये भी जो है अनेकार्थी शब्द है हमारा। देखो बाग में नाना प्रकार के पेड़ हैं, तो नाना मतलब अनेक प्रकार के, ठीक है। इसी प्रकार नाना शब्द का दूसरा अर्थ होता है माता के पिताजी, जो आपकी मम्मी है उनके पापा को आप क्या बोलते हो, नाना जी बोलते हो ना। तो ये अर्थ जो है बेटा, एक तो अर्थ हो गया इसका अनेक, एक अर्थ हो गया माता के पिता, ठीक है। ऐसे ही अगला शब्द है प्रकृति। अब प्रकृति शब्द जो है बेटा, इसके भी अनेक अर्थ निकलते हैं, जैसे स्वभाव कुदरत, वह मधुर प्रकृति की महिला है, तो मतलब वह मधुर स्वभाव की महिला है। प्रकृति में अनेकों प्रकार के रंग बिरंगे फूल हैं, तो प्रकृति यहाँ कुदरत के रूप में प्रयोग किया गया है, ठीक है बेटा। अगला शब्द है वर्ण। अब वर्ण का एक अर्थ होता है अक्षर, जैसे व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण, तो ये अक्षर के रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरा होता है इसका अर्थ रंग, जैसे वह गोर वर्ण का है, गोर वर्ण मतलब वह गोरे रंग का है, ठीक है बेटा। अगला शब्द है हमारा आम। आम बेटा, एक तो इसका अर्थ होता है साधारण, जैसे आम व्यक्ति अनेकों समस्याओं से घिरा होता है, तो साधारण के रूप में प्रयोग होता है। दूसरा इसका आम का अर्थ होता है, आम एक प्रकार का फल होता है, आप सभी जानते हो बच्चों को तो आम वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है बेटा। अगला शब्द है उत्तर। उत्तर का मतलब बेटा देखो, इसके भी अनेक अर्थ हैं, जैसे एक तो जवाब, उसने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया। दूसरा बेटा एक दिशा, उत्तर दिशा भी होती है ना, जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हम ऐसे बोलते हैं, तो उत्तर जो है एक दिशा का भी नाम है, ठीक है बेटा। अब आगे और भी शब्द है, जैसे आपकी बुक के अंदर आगे शब्द दिए हुए हैं कल। अब कल मतलब बेटा, एक कल का प्रयोग हम करते हैं मशीन के लिए, कल पुर्जे मतलब मशीन के पुर्जे, और एक कल होता है जो हमारा समय का बोध कराता है, उसको हम कल बोलते हैं। दूसरा आगे शब्द है बेटा पर।
पर के अर्थ होते हैं, एक तो जैसे पंख, पक्षियों के पर बड़े सुंदर होते हैं, तो पर का मतलब पंख, और एक पर का मतलब होता है परंतु, वह बीमार है पर खेल रहा है, तो यहाँ पर का अर्थ है परंतु। ठीक है बेटा, अगला शब्द है पूर्व। पूर्व का मतलब होता है बेटा पहले, ठीक है, इस समय से पूर्व ऐसा होता था, तो इस समय से पहले ऐसा होता था। और एक पूर्व जो है वो दिशा होती है, सूर्य पूर्व से निकलता है, पूर्व दिशा से निकलता है। ठीक है बेटा, अगला शब्द है मगर। अब देखो मगर जो है इसका एक अर्थ तो होता है परंतु, ठीक है, वह पढ़ाई में तेज है मगर खेल में कमजोर है, तो यहाँ पे मगर का अर्थ है परंतु। और एक मगर का अर्थ होता है बेटा मगरमच्छ, मगरमच्छ के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे बेटा शब्द दिया हुआ है चोटी। अब चोटी देखो बेटा, एक तो जो स्त्रियां महिलाएं बनाती है बालों को गुंथकर, वो चोटी होती है। दूसरा होता है बेटा पर्वत की जो सबसे ऊंचा हिस्सा होता है उसको भी हम चोटी बोलते हैं, पर्वत की शिखर को चोटी बोला जाता है। आगे शब्द दिया हुआ है फल। अब देखो बेटा फल का एक अर्थ होता है खाने वाला फल, दूसरा होता है फल नतीजा, जैसे उसका परीक्षा फल कल आएगा, मतलब उसके परीक्षा का नतीजा कल आएगा, तो इस तरह से ये भी अनेकार्थी शब्द है। अगला शब्द है बेटा कर। अब देखो कर का मतलब क्या होता है, एक तो हम हाथ के लिए प्रयोग करते हैं करबद्ध प्रार्थना, मतलब हाथ जोड़कर प्रार्थना, ठीक है। दूसरा कर होता है टैक्स के लिए, जो सरकार टैक्स लगाती है उसको भी हम कर बोलते हैं। तो बेटा ये सारे के सारे शब्द जो है बेटा अनेकार्थी शब्द हैं। अब हम जो है अपने बुक की एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। पहला जो प्रश्न है उसमें दिया गया है वाक्यों में आए रंगीन शब्दों के प्रयोग के अनुसार उनके अर्थ लिखे। जो कलर्ड शब्द दे रखे ना बेटा, जो कलर किए हुए हैं, इनके आपको अर्थ लिखने हैं। जैसे पहला दिया हुआ है सड़क पर भीड़ रहना आम बात है, आम बात मतलब साधारण बात है। दूसरा है आम के फूल को बोर कहते हैं, तो यहाँ आम जो है एक फल के लिए प्रयोग किया गया है। ऐसे ही अगला शब्द है बसंत ऋतु में प्रकृति की सुंदरता बढ़ जाती है, प्रकृति मतलब कुदरत, यहाँ पे कुदरत के लिए प्रयोग हुआ है। दूसरा मदर टेरेसा दयालु प्रकृति की थी, दयालु प्रकृति मतलब दयालु स्वभाव की थी, ठीक है। आगे अगला दिया हुआ है मगर पानी में तैर रहा है, मगर यहाँ पर मगरमच्छ के लिए आया है। अगले वाक्य में मीता खेलने जाती मगर पानी बरसने लगा, तो यहाँ मगर का प्रयोग परंतु के लिए हुआ है। ये पहला प्रश्न आप करेंगे। दूसरा प्रश्न है बाई ओर लिखे शब्दों में जो अर्थ सही नहीं है उस पर आपको क्रॉस का निशान लगाना है, ठीक है। जैसे से दिया हुआ है हार शब्द है, उसके आगे तीन ऑप्शन दिए हुए हैं माला, हरा और पराजय, तो यहाँ पर माला जो शब्द है वो सही शब्द है, बाकी जो हरा शब्द है वो गलत है, तो यहाँ आप क्रॉस लगाएंगे, और पराजय भी सही शब्द है। ऐसे आप दूसरे प्रश्न को करेंगे। अब हमारा जो है तीसरा प्रश्न है कि दिए गए अर्थ के अनुसार शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करें। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, उनके अर्थ दिए हुए हैं। जैसे पहला शब्द दिया हुआ है पत्र, पत्ता। अब यहाँ पत्र का प्रयोग जो है, पत्र का अर्थ पत्ते के रूप में दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसका वाक्य बनाएंगे। जैसे पेड़ पर नए पत्र आ गए, पत्र मतलब पेड़ पर नए पत्ते आ गए, ठीक है बेटा। अगला शब्द दिया हुआ है चोटी। अब यहाँ पे इसका अर्थ दिया हुआ है पर्वत शिखर, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसका वाक्य बनाएंगे। उसने पर्वत की चोटी पर झंडा लहराया, ठीक है, इस तरह से आप वाक्य बनाएंगे। अगला शब्द है फल। अब फल क्या है बेटा, यहाँ खाने वाला फल है, तो हम वाक्य बनाएंगे ये फल ताजा है, इस तरह से आप इसको पूरा करेंगे। अगला शब्द है पर, जिसका अर्थ दिया हुआ है परंतु। अब इसका हम वाक्य बनाएंगे उसकी तबीयत ठीक नहीं है पर वह फिर भी खेल रहा है। ऐसे बेटा आप ये पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे अपनी बुक के अंदर, ठीक है बेटा। हमारा आज का टॉपिक तो जो है आज खत्म होता है, कल हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे बेटा।